जैन दोस्तों, तो देख सकते हो भाई खेतों की साइड आया हुआ हूँ घूमने। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई थोड़ा खेतों का भी व्यू दिखा दिया करो कभी कभी। तो देख सकते हो भाई काफ़ी हरा भरा मैदान है इधर। ये इसको बोलते हैं गेहूँ, जो शहर से है अगर उसको नहीं पता होगा तो ये गेहूँ है। और भी आपको दिखाऊंगा, पीछे जो पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं वो हैं सरसों लाटा, जिसको सरसों उसका तेल जो होता है। और ये कच्ची सड़क है और ये बराबर में गन्ने की खेती है। दिखाऊंगा पूरा आपको एक एक चीज़। ये सड़क एक इधर को जाती है, ये गांव के थोड़ा बाहर को जाती है, इससे थोड़ा मेन रोड की तरफ जाके मिलती है। ये देखिए आप, गेहूं की खेती है पूरे में और ये पीछे गन्ना है। और ये कच्ची सड़क जिस पर मैं सीधी सीधी कच्ची सड़क है इस पर चल रहा हूँ। तो दिखाते हैं भाई आपको गेहूँ और सरसों, क्योंकि तो ये देखिए दोस्तों, अब चलते चलते थोड़ी अच्छी सड़क पे आ गया हूँ मैं, जो दूसरे गांव में जाकर मिलती है। ये देखिए आप, इधर सरसों ही सरसों है, इधर पूरे में सरसों। ये देखिए पूरा जो मैदान है वो सरसों का। ये सामने लिपसेट की बगिया है और पूरा ये सरसों है। और ये इसको खरंजा बोलते हैं जो यूट्यूब से बना होता है। ये देखिए पूरे में सरसों ही सरसों है। ये देखिए भाई, पूरा सरसों का खेत है पूरा। और सामने बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं वो लिपसेट के पेड़ हैं। ये पीपल का पेड़ है और इसके आगे एक खेत है। अभी तो इसमें, इस सरसों वाले खेत में तो फूल लगे हुए हैं, आगे वाले में दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें सरसों आ चुकी है, मतलब फली आ चुकी है, फूल उसका झड़ चुका है, तो वो आपको दिखाता हूँ। पूरा देखते रहना भाई वीडियो, मस्त एकदम वीडियो बनना। ये देखिए खतरनाक व्यू आ रहा है पूरा। वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना भाई, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ भाई खेतों में जाकर। ठंड देख रहे हो कितनी है यार। ये देखिए भाई पूरा ये खाली खेत पड़ा हुआ है बंजर, और इसके सामने ये दिख रही हैं ये सरसों की फली आ चुकी हैं इस खेत में। ये आप देखिए पूरा, ये देखिए आप, इस वाले खेत में पूरी सरसों की फली भी आ चुकी हैं। और से देख सकते हो ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, गाँव के पास ट्रेन चल। इस वाले में सरसों है, ये देखिए सरसों का फली ऐसी होती है, इसमें से बीज निकलता है, फिर उसका तेल बनता है, फिर वो जाकर पैक वुक होकर तब आपके शहरों में आप तक पहुंचता है। ये देखिए अब गेहूं दिखाता हूं भाई, गेहूं बिल्कुल पास से, क्योंकि अभी तो गेहूं जो है, गेहूं की खेती, गेहूँ छोटे छोटे हैं तो अभी उस पर तो फली आई नहीं है। गेहूँ की जो बाली, जिसको हम बाली बोलते हैं, वो नहीं आई, लेकिन गेहूँ दिखाता हूँ छोटे छोटे, अभी खेत में छोटा है। आज इस बार गेहूं की खेती कम हुई है हमारी तरफ, सरसों की ज़्यादा है। देख सकते हो जिधर आप देखो, पूरा बिल्कुल पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे होंगे सरसों, क्योंकि अब इन सब खेतों में गन्ना होगा। इन जितने भी खेत हैं जितने सरसों हैं, इसमें गन्ने की खेती होगी, इसलिए सरसों बोई गई है, क्योंकि गन्ने का उस टाइम टाइम होता है जब ये कटते हैं, और गेहूँ से कटते हैं थोड़ा लेट हो जाता है गन्ना, इसलिए। अब गेहूँ के खेत दिखाता हूँ आपको एक दो। ये है भाई गेहूं, ये देखिए आप, पूरा गेहूं का खेत है। ये देखिए पूरा गेहूं का है, काफ़ी बड़ा खेत, पूरा गेहूं, इस पूरे खेत में गेहूं है। ये देख सकते हो आप, गेहूं पास से ऐसा होता है। ये देखिए आप पूरा गेहूं। अब इसमें थोड़े दिन बाद बाली आना स्टार्ट होगी, तब वीडियो डालूंगा बाली की, तब आप देखना। फिलहाल अभी तो ये छोटे छोटे हैं, पूरे सभी, पूरे जितने भी खेत हैं सब में छोटे छोटे गेहूँ हैं अभी। और मैं तो आया था भाई खेत पर गाय भैंस के लिए थोड़ा चारा काटने इस टाइम में, तो वो काट कर तब लेके जाऊंगा। ये है, इसमें लेके जाऊंगा, और ये है जो इससे काटूंगा। और ये बराबर में गन्ना है, देख सकते हो भाई गन्ना वन्ना। अभी तीन ही चीज़ें हैं, एक तो पहला सरसों, दूसरा गेहूं, और तीसरा गन्ने की खेती। इसमें सबसे पहले तो अभी ये गन्ना कट रहा है, उसके बाद लाटा कटेगा सरसों, उसके बाद जाकर कहीं गेहूं कटेंगे, और इन सब के जो खेत खाली पड़े रहेंगे, सरसों के खेत में गन्ना होगा और गेहूं के खेत में या तो धान होंगे या चरी बाजरा, ये बोया जाएगा। तो यही था भाई, पूरा देख लिया होगा आपने वीडियो को, लास्ट तक देखा तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है भाई, राम राम, जय हिंद।